ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक बैकुंठ लोक में आनंद भोगता है, फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण में भी जन्माष्टमी व्रत के बारे में लिखा है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रख के भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। किसी विशेष कारणवश अगर कोई जन्माष्टमी व्रत रखने में समर्थ ना हो तो उसे किसी ब्राह्मण को भर पेट भोजन खिलाना चाहिए। अगर वह भी संभव ना हो तो ब्राह्मण को इतनी दक्षिणा तो अवश्य देनी चाहिए कि वह भरपेट भोजन कर सके।